जिन लोगों ने भी कल वाले क्वेश्चंस का मुझे रिप्लाई भेजा है, ठीक है, उन सबका रिप्लाई ठीक है, उन सबको मैंने रिप्लाई कर भी दिया है, ऑल ऑफ देम हैड मेड द करेक्ट जर्नल एंट्रीज, ठीक है। आज आगे हम लोग उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ के आगे वहाँ से फिर कुछ और एंट्रीज सीख रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें वहाँ तक आप एकदम ठीक बना करके भेजा है, जिन लोगों ने भी ट्राई करके बनाया है क्वेश्चन, ठीक है, एकदम ठीक है वहाँ तक। आप लोगों को कॉल सीन एरियर एडजस्ट करने आ गया है, ठीक है, कि कॉल सीन एरियर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो अब हम लोग आगे आज एक चीज़ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप जब तक पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है, और खुद जो आपको समझ में आता है फिर मैं समझाता हूँ, तो फिर ये बाकी क्वेश्चन समझ में आएगा। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कंपनी ने शेयर्स कम इशू किए हैं लेकिन कंपनी के पास में एप्लीकेशंस ज़्यादा लोगों का आ गया है। तो ये एक बहुत सिंपल सा नियम है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उसको ये तो पता नहीं है कि मेरे अलावा कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ के बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करने का ऑफर दिया है उससे ज़्यादा लोग कंपनी में इंटरेस्टेड हो जाएं और कंपनी के एप्लीकेशंस के प्रोसीजर के हिसाब से वो कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा भेजें, ठीक है। इट्स अ वेरी नॉर्मल केस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी के पास में नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, कंपनी को इशू करना 10,000 चीज़ें हैं। अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो कंपनी को 10,000 पीस ऑफ एनी प्रोडक्ट बेचना है और उसके पास आ करके खड़े हो गए हैं 15,000 लोग, ठीक है। तो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में तो क्या होता कि प्राइस बढ़ जाता और 5,000 लोग वापस चले जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है, तो इसी सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को, ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि सामने से लोग कितने चीजों के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब चीज कम है और लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास में तीन ऑप्शन होता है, आसानी से समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स मैं अगर निकालूं कि एक्स्ट्रा कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो एक्स्ट्रा 5,000 लोगों ने अप्लाई किया है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 15,000 पे कंपनी को एप्लीकेशन आ गया। तो पहला काम, फर्स्ट ऑप्शन, कंपनी क्या कर देती है, कंपनी रिजेक्ट ऑल द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। कंपनी एक लेटर लिखती है, लेटर ऑफ रिग्रेट जिसको बोलते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट। कंपनी बोलती है कि भाई हमारे पास में इतनी चीजें ही नहीं है कि हम आप लोगों को दे पाएंगे, तो आपने लेट से एप्लीकेशन भेजा, हमने आगे आए हुए पहले आए हुए 10,000 एप्लीकेशंस पे 10,000 शेयर्स अलॉट कर दिया, सॉरी आप लेट हो गए थे, तो ये आपका पैसा हम आपको वापस कर रहे हैं विथ अ लेटर ऑफ रिग्रेट, एक लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। तो हम लोग इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे कि जब कंपनी ऑप्शन नंबर वन एक्सरसाइज करेगी तो क्या जर्नल एंट्री होगी। ऑप्शन नंबर टू, सेकेंड ऑप्शन, कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट सम एप्लीकेशन एंड मेक प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट टू अदर्स। जैसे इसी क्वेश्चन पे देख लेते हैं, हमारे पास 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, कंपनी ने बोला कि ऐसा करते हैं 2,000 लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। वो 2,000 लोग जिन्होंने लास्ट में अप्लाई किया होगा, और बचे हुए 13,000 एप्लीकेंट्स को हम
10,000 शेयर्स में एडजस्ट कर देते हैं, किसी तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। हम लोग इस चीज को सीखेंगे कि कैसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यही चीज तो सीखनी है बेसिकली, ओवर सब्सक्रिप्शन में यही चीज सीखनी है। और तीसरा, थर्ड ऑप्शन नो रिजेक्शन, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे एंड अलॉट प्रोपोर्शनेटली टू ऑल एप्लीकेंट, हम किसी को निराश नहीं करेंगे, सबको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। लेकिन हम कैसे दे पाएंगे, तो भाई हमारे पास 15,000 एप्लीकेंट्स हैं, इन 15,000 एप्लीकेंट्स को हम 10,000 शेयर्स में किसी तरीके से प्रोपोर्शनेट करके, कम करके निपटा देंगे। हमने बोला ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन में काम किया जाता है। अगर सर, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो बल्ले बल्ले, 10,000 लोग शेयर्स हैं, 10,000 लोगों ने अप्लाई किया तो फिर झगड़ा ही किस बात का, किसी बात का झगड़ा ही नहीं है, ठीक है। जितने लोगों ने अप्लाई किया उनको हम क्या करेंगे, उनको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। सर अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता तो बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन होता, 10,000 शेयर्स बेचने थे कंपनी को, अगर 9,000 लोग ही अप्लाई करते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, हम 9,000 लोगों को ही शेयर्स अलॉट कर देते। तो इन जो, अगर हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करें या फुल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसमें कोई कंडीशन नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑलवेज कम्स विथ 3 डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। आइदर यू विल डू दिस, मतलब द कंपनी विल डू दिस, आइदर द कंपनी विल डू दिस और द कंपनी विल डू दिस। तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 रख करके चेक करेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हम उधर वाला फ्लो चार्ट मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से बस देखते जाइएगा, आपको एकदम सूटेड जर्नल एंट्री आप समझ जाएंगे, मुझे एकदम 100% उम्मीद है। आप बस एकदम आराम से पूरा फोकस के साथ में यहां देखिएगा और एक्स्ट्रा कुछ मत सोचिएगा अपने माइंड में, अपने माइंड को मेरे पढ़ाने से आगे की तरफ मत भगाइएगा, साथ साथ चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा अपने आप को, आप तुरंत समझ जाएंगे। आप अगर फॉरवर्ड करेंगे फिर परेशानी आएगी। जर्नल एंट्री बस एज इट इज, इसको जर्नलाइज करते चले जाइए, जैसे आप प्रीवियस एंट्रीज में जर्नलाइज करते। पैसा 15,000 शेयर्स पे पैसा आया होगा 25 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अप्लाई 15,000 लोगों ने किया है, 10,000 लोगों ने नहीं किया है। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 × 25 टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 × 25, ठीक है। अमाउंट मैं नहीं निकाल रहा हूं, या अमाउंट भी निकाल ही देते हैं ताकि काम एक ही बार होता जाए। 375,000, 375,000। नाउ सेकंड, चूजिंग द ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या था? ऑप्शन नंबर 1 था कि एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस ऑफ ओनली 10,000 शेयर होल्डर्स एंड रिजेक्ट ऑल द अननेसेसरी या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। तो करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा तो यही है 375,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में तो हम 10,000 शेयर्स पर 25 रुपए से ज्यादा
कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी ओनली हैव 10,000 शेयर्स दैट कैन बी इशूड बाई कंपनी एट एनी कॉस्ट. तो सिंपली 10,000 इंटू 25 दैट कम्स अप टू 2,50,000 रुपीज. वी हैव डन दिस एंट्री एंड सिंस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सो द अमाउंट विच वॉज रिसीव्ड ऑन द एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दैट इज ऑन 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स एट द रेट 25 रुपीज वट वी हैव रिसीव्ड वी विल पे इट बैक टू दैट एप्लीकेंट. तो दोज एप्लीकेंट यू कैन से दोज एप्लीकेंट, कोई एक व्यक्ति तो रहा नहीं होगा, तो टू दोज एप्लीकेंट. तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हाउ मच 5,000 इंटू 25 पच्चीस पचे 125 और 125 पे 3 जीरो 2.5 लाख और 1,25,000 3.5 लाख 3,75,000 ठीक है जी. यू हैव एडजस्टेड द अमाउंट एज पर ऑप्शन नंबर 1. यू हैव एडजस्टेड द अमाउंट, आपने एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से पे ऑफ कर दिया ठीक है. नाउ नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 30 रुपया रिसीव दैट अमाउंट. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 20 रुपया रिसीव दैट अमाउंट. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड 10,000 शेयर पे 25 रुपया एंड रिसीव दैट अमाउंट एंड एंट्री विल बी कंप्लीटेड एज पर ऑप्शन नंबर 1. तो मतलब सिखाने वाली कौन सी एंट्री थी, सिखाने वाली एक एंट्री ये थी और सिखाने वाली एक एंट्री ये थी एज पर ऑप्शन नंबर 1. क्या आपको क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ एज पर ऑप्शन नंबर 1 जहां आपने सारा एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न कर दिया है ठीक है. क्या इसके अलावा नीचे की और एंट्रीज बार बार रिपीट करके लिखनी जरूरी है या आप कंफर्टेबल हैं उसको लिख सकते हैं? हेलो, क्या ये एंट्री समझ में आ गई सब लोगों को? सबको एवरीवन ठीक ठीक चलो आगे बढ़ें. ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको क्लियर समझा दिया, अब मैं इसको यहां रहने देता हूं. मैं ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाता हूं, मैं इवन लिख देता हूं, आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये ऑप्शन नंबर 1 है. नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 में क्या हुआ तो लेट अस चेक. वी हैव टू मेक अ एडजस्टमेंट टेबल. हमने क्या बोला था ऑप्शन नंबर 2 में, कितने शेयर्स का पैसा वापस कर दिया था और कितने पे अलॉटमेंट किया था? मैं भूल गया ऑप्शन नंबर 2, मैंने कितने शेयर्स का पैसा वापस कर दिया था बेटा? किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लिया हो तो 2,000 रिजेक्ट कर दिया था ठीक है. रिजेक्ट 2,000 शेयर्स एंड अलॉट टू रेस्ट ठीक. बड़े प्रेम से वर्किंग नोट्स देखिएगा क्योंकि यही आपको बनाना सीखना है और इसी में आपको तोप बनना है. इसमें अगर आप तोप नहीं बनेंगे तो भैया फिर कंपनी आपको बहुत दिक्कत देगा, बहुत दर्द देगा. आइए सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड. दिक्कत होगा बाबू हमको बीच में रोक देना. अमाउंट रिसीव्ड 15,000 पे 25 रुपया 3,75,000 रुपया लेस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल ऑन एप्लीकेशन. कितना हम ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली 10,000 शेयर्स पे वी कैन इजिली ट्रांसफर 25,000 रुपीज, दैट इज आवर फाइनल लिमिट. इतना तो हम ट्रांसफर कर ही सकते हैं बिकॉज इतना शेयर्स तो हम इशू करेंगे ही करेंगे ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10,000 शेयर है, हम 10,000 शेयर इशू करेंगे बिल्कुल. तो 2,50,000 रुपये लेस अमाउंट
टू बी रिफंडेड बैक, जो अपन वापस कर देंगे, वापस 2000 शेयर पे ₹25। बिकॉज इन लोगों को हमने शेयर्स इशू नहीं किया बेटा, हमने इनको साफ बोला कि हम आपको नहीं कर पाएंगे भाई, आपका पैसा सबसे लेट आया था, आप पैसा वापस ले लो। 25 दुनाई होता है 50 और 50 पे 30, 50,000। ठीक है, 75,000, दिस इज एक्स्ट्रा मनी लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग शेयर एप्लीकेशन एंड रिफंडिंग टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को रिफंड करके और शेयर एप्लीकेशन पे एडजस्ट करके ये ₹75,000 बच गया है भाई। ये 75,000 कहां से बच गया है और किनका बच गया है? ना आई एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 75,000। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा, 15,000 लोग आए थे, अप्लाई किया था, 2000 को हमने रिजेक्ट किया, बचे हुए 13,000 लोगों को हमने 10,000 शेयर्स में निपटाया, बचे हुए 13,000 लोगों को 10,000 शेयर्स में निपटाया। इसका मतलब हमने 3,000 शेयर्स पर, क्योंकि भाई अगर किसी ने पैसा दिया था 13,000 शेयर्स पे, उसको अगर हम लोगों ने कुल्लम 10,000 शेयर्स ही इशू किए, मतलब 3,000 शेयर पे अभी भी कंपनी ने ₹25 के हिसाब से पैसा अपने पास रख लिया है। ठीक है, और यही अमाउंट आता है 75,000। ठीक है, तो अमाउंट रिकंसाइल हो गया कि ये 75,000 क्या बचा हुआ है। तो भाई ₹75,000 वो पैसा बचा हुआ है जो हमने उन 13,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर्स दिए। तो हमने बोला कि भाई जो एक्स्ट्रा आपने एप्लीकेशन पे पैसा दिया है ना, आप मत घबराइए, वो ₹75,000 है हमारे पास आपका। ठीक है, जब हम दोबारा से आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे, ठीक है, तो ये पैसा हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, इतना पैसा कम दीजिएगा हमें, ये बात कंपनी कह रही है। ठीक है, तो कंपनी ये जो बात कह रही है, इसी बात को हमें जर्नल एंट्री के रूप में कहना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को हमें जर्नल एंट्री के रूप में कहना पड़ेगा। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी के पास पैसा बच जा रहा है? तो बेटा देखो ना, अगर तुम 13,000 लोग हो और तुमने 13,000 के पाने की इच्छा पे पैसा दिया है, लेकिन तुम्हें अगर कोई चीज 10,000 ही मिल रही है, तो ऑब्वियसली कुछ पैसा तो बचेगा ना। ठीक, और ये कैसे होगा? तो भाई अगर 10,000 चीजें 13,000 लोगों में बांटोगे, तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति को एक से कम मिलेगा, 10/13, हर व्यक्ति को एक से कम मिलेगा। डिवाइड करके देख लो, पॉइंट में फिगर आएगा 0 point something। या अगर ऐसा भी इंटरप्रेट करो कि अगर 13 शेयर्स के लिए किसी ने अप्लाई किया होगा, तो भाई उसको 10 ही मिलेगा। वही बात चल रही है कि भाई 13,000 के लिए अप्लाई किया है तो 10,000 मिलेगा, उसी को छोटा करके मैंने बता दिया। तो एक्स्ट्रा 3,000 पे कंपनी पैसा क्या करे? या तो कंपनी इस पैसे को वापस लौटा दे, बोले कि भैया ये रखो, ₹75,000 एक्स्ट्रा तुम लोगों से ले लिया था, रख दो। या नहीं तो कंपनी बोले कि यार क्या लेना देना करोगे, मेरे ही पास रहने दो ये ₹75,000। ठीक है, जब फिर से दोबारा तुमसे अलॉटमेंट मांगूंगी, ठीक है, या फर्स्ट कॉल मांगूंगी, ठीक है, तो बेसिकली अभी तो ये अलॉटमेंट पे ही सलट जाएगा पूरा पैसा, अलॉटमेंट मांगूंगी
ठीक है, तो 75,000 रुपया कम काट के देना यार, सिंपल सा मामला है, 75,000 कम देना अपने आप, ये 75,000 तो तुमने पहले दिया हुआ था अलॉटमेंट में, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अगर आप इसको यहां तक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक, क्योंकि हम यहां से यहां एक्सप्लेनेशन से नीचे वाला पोर्शन मिटा देंगे, ऊपर का तो रहने देंगे, एक्सप्लेनेशन मिटाएंगे, ठीक है। मैंने अज्यूम कर लिया कि आपने करना होगा, आपने कर लिया है। आई सेट इट इन अ जर्नल एंट्री। तो हम रिपीट एंट्री बेटा नहीं करेंगे, आपको पता है कि हम रिपीट एंट्री नहीं करेंगे। तो इस केस में भी जो जर्नल एंट्री होगी, वन सेकेंड बेटा, एक कॉल आ रहा है, नहीं कट गया, एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिए। दूध है आपके, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो यही होगी कि भाई बैंक से पैसा 375,000 रुपये आएगा। देखिए फर्स्ट एंट्री तो यही, तो हमने वही एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री सेम रिपीट होगी तो मैं नहीं कर रहा हूं। सेकंड एंट्री जो ऑप्शन टू की होगी वो मैं अब कर रहा हूं, ऑप्शन टू की सेकेंड एंट्री, फर्स्ट विल बी सेम, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सेकेंड। क्या कहती है सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री कहती है कि भाई एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट होगा। हमने बोला ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एडजस्ट होगा 375,000 टू शेयर कैपिटल। यहां भी शेयर कैपिटल में 2.5 लाख ही जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा जा नहीं सकता। टू बैंक अकाउंट, यहां पिछले केस में सारा एक्स्ट्रा पैसा वापस कर दिया था, यहां सिर्फ 2,000 शेयर्स पे हमने पैसा वापस किया है, तो 50,000, और बाकी बचा हुआ पैसा कहां यूज होगा, तो भाई हमने इसको ट्रांसफर कर लिया है, हम इसको अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे यूज करेंगे तो देखते हैं भाई, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्स्ट्रा पैसा कितना आया हुआ था, तो 75,000 रुपया मेरा एक्स्ट्रा था, हमने इसको शेयर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया कि विल यूटिलाइज दिस एक्स्ट्रा मनी ऑन अलॉटमेंट, हम लोग इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। क्या ये ऑप्शन यहां तक आपको क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है, क्या ये ऑप्शन यहां तक क्लियर है, ठीक। बैंकिंग फ्रॉड से बचे, एरर कमी, ठीक। The person you are calling is currently busy. Please call again later. I'll just... तो इसको आप यहाँ तक देख लीजिए ताकि अब हम फिर शेयर अलॉटमेंट करके आपको दिखाएं। यहाँ तक आपने देख लिया तो हम आगे अब शेयर अलॉटमेंट आपको ड्यू करके और ये पैसा एडजस्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम ऊपर ये मिटा रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को एडजस्ट करेंगे। आइए तो सबसे पहले तो ड्यू कीजिए पूरा का पूरा पैसा ड्यू कीजिए। तो ड्यू करने की एंट्री आप सब बच्चे सीख चुके हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू। भाई हम कितने शेयर से करेंगे, जितना अपने पास शेयर है 10,000 × 30 तो 3 लाख रुपया बनता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख मिलेगा और 3 लाख हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, हमने ये एंट्री कर दी। आइए ये हो गई आपकी इन द सीरीज एंट्री नंबर 3। नाउ एंट्री नंबर 4,
whether you will receive 3 lakhs or you will receive something which is less than 3 lakhs. So it is completely understood by the working notes we have made that we will not receive this total 3 lakhs because जब आप पैसा अलॉटमेंट का मांगने जाएंगे when we will call for the allotment money, that group of shareholders to whom we didn't allotted as much number of shares as being applied by them, they will make you recall that we have paid you extra money at the time of application itself, which you have adjusted in the allotment in the entry what you have passed at the time of application. So, bolega company, please recall that you have taken 75,000 extra from us. Please adjust that 75,000 rupees and the rest amount we will pay to you. हमने बोला ठीक है, सही कह रहे हैं वो shareholders, सही कह रहे हैं. हमने entry किया कि bank account debit, बिल्कुल मिलना चाहिए था कितना, 3 lakh, लेकिन ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड हाउ मच, 75,000 पहले ही मिल गया जो कि एप्लीकेशन पे ज्यादा था. ठीक है, जो कि एप्लीकेशन पे ज्यादा था, हमने उसको अलॉटमेंट पे शिफ्ट मारा था. आपने बोला हाँ, तो भाई 3 lakh में से 75,000 ऑलरेडी मिल ही चुका है, तो वी विल रिसीव हाउ मच, 2,25,000 एंड 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000. नाउ द नेक्स्ट एंट्री फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल विल बी सेम, एंड अगेन फॉर मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू एंड फाइनल कॉल विल बी सेम, बिकॉज वहां कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, जितना एक्स्ट्रा था हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है. और तब फर्स्ट कॉल मांगिए, रिसीव कीजिए, फाइनल कॉल मांगिए, रिसीव कीजिए. ठीक है, तो क्या यहां तक एंट्री आपके समझ में आई? एक बार डेबिट क्रेडिट एडजस्ट करके दिखा देता हूं, फिर फाइनली पूछूंगा. आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया 3 lakh रुपए से, कहने का मतलब यहां पे आप शेयर होल्डर्स से 3 lakh मांग रहे थे, शेयर होल्डर्स को आपने 3 lakh का डेटर बनाया था. ठीक है, आपने उसमें से 2,25 कैंसिल किया कि हाँ भैया 2,25 तो मिल गया, तो डेबिट 3 lakh, कैंसल्ड 2,25,000, स्टिल लेफ्ट विद 75,000 विच यू हैव ऑलरेडी कैंसल्ड बिफोर, जो आप पहले ही कैंसिल कर चुके थे कि भैया ये तो हमको मिल ही चुका है. ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 75,000 से यहां, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 2,25,000 से यहां, और डेबिट हुआ था 3 lakh से. मीन्स डेबिट हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट दिस क्रेडिट एंड द टोटल क्रेडिट हैज बीन एडजस्टेड. 75,000 हैज बीन रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन मनी इटसेल्फ एंड रेस्ट 2,25,000 हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम द अलॉटमेंट इज मेड ड्यू बाय द कंपनी. ठीक है, तो यही होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का खेल, कि ओवर सब्सक्रिप्शन में बाद में मिलने वाला पैसा आपको पहले ही मिल जाता है और आपको उसको बड़ा सोच समझ के एडजस्ट करना पड़ता है कि वो किस तरीके से एडजस्ट होगा. ठीक है, क्या ये ऑप्शन नंबर 2 आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? आ गया सबको? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 अगर आपका क्लियर हो गया, आइए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ऑप्शन नंबर 2 आपका खत्म हो गया है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे चल रहे हैं. ऑप्शन नंबर 3 क्या था? ऑप्शन नंबर 3 था, ऑप्शन नंबर 3 टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स,
ऑल एप्लीकेंट्स। यहां पहले केस में हमने सारे एप्लीकेंट का पैसा वापस कर दिया था, दूसरे केस में हमने 2000 एप्लीकेंट्स का पैसा वापस कर दिया था, इस केस में हम लोग किसी भी एप्लीकेंट का पैसा वापस नहीं करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा शेयर दे देंगे, जितना उन्होंने अप्लाई किया था ऑब्वियसली उससे कम, क्योंकि चीजें कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तो आइए फिर से वी हैव टू डू द वर्किंग नोट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, उतना समझा के नहीं कर रहा हूं। 15,000 शेयर पे अपने को 25 रुपया मिला, 3,75,000 रुपया आया। लेस यूज्ड इन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से यूज किया तो आपने 2,50,000 रुपए यूज कर लिया, माइनस कर दीजिए। लेस रिफंडेड, अब मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ रिफंडेड, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि यहाँ पे कोई रिफंड नहीं है, मैंने डैश किया, कोई भी रिफंड नहीं है। तो आइए, तो ऑब्वियसली कोई रिफंड नहीं है तो इस बार पैसा ज्यादा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कितना पैसा ट्रांसफर हो गया, 3,75 में से 2,50,000 अगर गया तो 1,25,000। ठीक है, ये 1,25,000 है एक्स्ट्रा टू बी एडजस्टेड एट अलॉटमेंट, जिसको हम लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली लॉजिकली ये एक्स्ट्रा होगा, क्यों, क्योंकि पिछले बार हमने क्या देखा कि 13,000 वाले लोगों को हमने 10,000 अलॉट किया था, लेकिन इस बार तो पूरे 15,000 लोग बैठे हैं ना, एक भी आदमी का तो पैसा वापस किए नहीं तुम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितने लोग हो गए हैं, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास में 5,000 लोग हैं जिनका 25 रुपया तुम्हारे पास में है, तो 25 × 125, और ये रहा फिगर और ये रहा फिगर, दोनों फिगर आपका रिकनसाइल कर गया। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन पे जितना हम ड्यू करेंगे उसमें से 1,25,000 रुपया कम रिसीव होगा, बिकॉज ऑलरेडी 1,25,000 हैज बीन रिसीव्ड एक्स्ट्रा ऑन एप्लीकेशन। सिंपल सी लॉजिक है। तो एंट्री नंबर 1 तो सेम रहेगा, एंट्री नंबर 2 चेंज करेगा, तो एंट्री नंबर 2 हम लिख देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा आया था 3,75,000, टू शेयर कैपिटल 2,50,000, टू, अब यहां टू बैंक नहीं होगा क्योंकि हमने एक भी पैसा वापस नहीं किया है किसी को, तो सीधे यहां टू शेयर अलॉटमेंट, हमने सारा पैसा उठा के ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पे 1,25,000, और अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे तीसरी नंबर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,00,000 रुपए से, 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए के हिसाब से करेंगे अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000। लेकिन आपको पता है कि जब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली 3,00,000 तो रिसीव होगा नहीं, तो रिसीव कितना होगा फोर्थ नंबर एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट 3,00,000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है 1,25,000, तो कितना बच गया 1,75,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,75,000। ठीक है, देखिए शेयर अलॉटमेंट को आपने 3,00,000 से डेबिट किया है तो ये क्रेडिट होके 1,75,000 यहां बंद हुआ और 1,25,000 ऑलरेडी पहले ही बंद हो चुका था, मतलब 3,00,000 आपको रिसीव करना था, 3,00,000 में से 1,75,000 आपने यहां रिसीव किया और 1,25,000 आप ऑलरेडी यहां रिसीव कर चुके थे, हो गया। तो जो आप यहां रिसीव कर चुके थे आपने पहले ही शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट करके ट्रांसफर मार दिया था, 3,00,000 आपने ड्यू किया, 3,00,000 में से 1,25,000 ऑलरेडी रिसीव था, बचा हुआ 1,75,000 आपने रिसीव किया। ठीक है, मामला सारा निपट गया। ठीक है, अब अगला जो बच गया तो फर्स्ट कॉल आप ड्यू कीजिएगा, फर्स्ट कॉल रिसीव कीजिएगा, फाइनल कॉल ड्यू कीजिएगा, फाइनल कॉल रिसीव कीजिएगा, सिंपल, वो तो सारे एंट्री में वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या तीनों केस आपको समझ में आया, तीनों केस में
और मोस्ट ऑफ द जर्नल एंट्री सेम है, बस आपके एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट और एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, चेंज होती है। होप सो आपको ये तीनों ऑप्शंस गेट ऑन हो गया होगा, समझ आ गया होगा। बताइए अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां पे पूछ लीजिए, नहीं अगर पूछ पा देंगे तो फिर आगे वो आपका कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। बताइए भाई, अगर यहां तक ओके है तो एक बार लिख दीजिए कि ओके है, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, ओके है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए तो मेरे यहाँ ख्याल से आप लोग यहाँ तक इस पॉइंट तक कंफर्टेबल हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आइए हम लोग कुछ और इसमें करेंगे, इंट्रिकेसीज कुछ और लाएंगे। मीनवाइल आप पहले चेंज कर लीजिए अपना सेशन, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:40, सेशन चेंज कर। सेशन चेंज कर लीजिए, हाँ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज कीप द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेके रेडी रहिए, मैं अभी दूसरा क्वेश्चन डाल लूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, और मैं समझा करके आपको ये क्वेश्चन छोड़ूंगा, ये आपको बनाना है। और आप बना करके जैसे मेरे को फोटोज, जैसे आपको पिक सेंड करते हैं वैसे आप पिक सेंड कर सकते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, चेक करना होगा, मैं चेक कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं एंट्रीज बता दूंगा आपको। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिएगा और एंट्रीज करिएगा। क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच हेलो हेलो हाँ ऋषभ बोलो बाबू। सर वही 95403 वाला पे पेटीएम है आपका? हाँ बेटा उसी पे है सर, भेज देते हैं। ठीक ठीक, ठीक है। Payable as follows, rupees 3 on application, 3 on allotment, 2 on first and final call. एक साथ लिख दिया है, मतलब 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपया फाइनल कॉल पे, अलग अलग है, इसको समझिएगा। लिख दिया मैंने एक साथ है, मतलब 2 रुपया फर्स्ट कॉल है, 2 रुपया फाइनल कॉल है, ध्यान से ध्यान रहे। आगे बोलता है, X, a shareholder holding 100 shares paid first and final call both with allotment itself, with allotment itself, and Y holding 200 shares
didn't pay final call full stop journalize. ठीक है, ध्यान से बाबू इस क्वेश्चन को पहले देखिए, समझिए ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, उसके बाद ठीक है उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे. क्वेश्चन कहता है एक्स एक शेयर होल्डर है, 100 शेयर्स उसके पास में है, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया. ठीक है, और वाई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया ही नहीं. तो वाई ने फाइनल कॉल पे एरियर किया, ये तो आप जानते हैं. एक्स ने क्या किया, तो ये नई चीज है, एक्स ने एडवांस में पैसा दे दिया, एडवांस में. ठीक है, तो अलॉटमेंट पे जितना पैसा मिलना रहा होगा उससे ज्यादा पैसा मिल गया 100 शेयर्स पे. बिल्कुल, तो जब आप अलॉटमेंट का एंट्री कर रहे होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट पे कितना आता, 50,000 × 3, तो 1.5 लाख तो आता ही आता, प्लस और पैसा आ गया अलॉटमेंट में कितना, तो 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का भी आ गया, फाइनल कॉल का भी आ गया, मतलब 3 + 2 = 5 रुपया. तो कितना रुपया ज्यादा हो गया, 500 रुपया. तो कहने का मतलब 150,500 रुपया आ गया भाई. ठीक है, अब मैं इसको हटा करके सीधे यहां लिख देता हूं, 150,500 रुपया आ गया. ठीक है, 150,000 बाबू फर्स्ट एंड, अरे इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा भी शॉर्टकट करो ना तो आप लोगों का. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, 2 रुपीज ईच है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है और फाइनल कॉल भी 2 रुपए का है. ठीक है, ओके, 1 सेकेंड, 4 रुपये, 1 मिनट, 1.5 लाख रुपया अलॉटमेंट का प्लस 100 × 2 + 2, ओके बेटा, 100 × 2 + 2, ठीक है, 400, तो ये 400 रुपया बनता है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया फाइनल कॉल का. ठीक है, बिल्कुल, तो ये 400 रुपया और एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, 400 रुपया और एक्स्ट्रा आ गया. ठीक, तो 2 शेयर अलॉटमेंट तो भाई 1.5 लाख रुपए से ही कैंसिल होगा, बिकॉज आपने शेयर अलॉटमेंट तो ड्यू 1.5 लाख का ही किया है. तो जो एक्स्ट्रा ये 400 रुपया आया है ये हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस एंड इट इज अ लाइबिलिटी. कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी है बिकॉज ये पैसा अभी मिलना नहीं चाहिए था. ठीक है, मेक इट क्लियर, वो 400 होगा. ठीक है, मेरे से गलती हुई थी, ये 500 नहीं होगा बिकॉज 2 रुपया फर्स्ट कॉल का है और 2 रुपया फाइनल कॉल का है, तो 2 × 2 = 4 रुपया, 100 शेयर्स पे 400 रुपया, इसलिए उसने बेटा कंफर्म किया मेरे को कि सर आप गलत कर रहे. ठीक है, तो वो 400 रुपया होगा. ये बात यहां तक कनेक्ट हो गई, नहीं कनेक्ट हुई, क्योंकि ये कनेक्ट होगी तो फिर आगे चीजें कनेक्ट होंगी. भाई यहां तक ओके है? ठीक है, यहां तक अगर ओके है तो अब मुझे बताइएगा क्या फर्स्ट कॉल पे पूरे 50,000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा या किसी शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा. क्या 100 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा? सब लोग अंडरस्टैंड कर गए, बिकॉज 100 शेयर पे ऑलरेडी पैसा फर्स्ट कॉल का आ चुका है और सेकेंड कॉल पे भी मुझे 100 शेयर्स पे तो पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज वो पहले आ चुका है, लेकिन और 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज वो तो ना पहले आया है ना अभी आया है, अभी उस पे डिफॉल्ट किया है वाई ने. ठीक है, डिडेंट पे. तो ये 3 बातें मुझे समझानी थी, मैंने समझाई है. आप कोशिश करके एंट्रीज बनाओ इसकी, अगर नहीं बनेगी तो फिर हम लोग कल इसकी सारी एंट्री बना के देखेंगे. मैंने कंसेप्ट और कहानी आपको सिखा दी है.
ठीक है, और आप कहानी सीख भी गए हैं कि पहले मामले में फर्स्ट और फाइनल कॉल अलॉटमेंट पे ही आ गया, तो भैया फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स पे एक पैसा नहीं देगा, सेकंड कॉल पे फिर एक 100 शेयर पे पैसा नहीं देगा, बिकॉज वो पहले ही दे चुका है। उसके अलावा और क्या होगा, उसके अलावा होगा, ठीक है, कि ये बाकी चीजें होंगी, देखते हैं उसके अलावा एक। हेलो, हेलो, हाँ बेटा बोलिए। सर फोन पे से भेज दिए हैं। फोन पे से भेज दिए हैं, एक बार देख लीजिए। देख लीजिए। हेलो, कितना ट्रांसफर किया है आपने? 2600। अच्छा ठीक, हाँ ठीक ठीक, सर एक बार देख लीजिए, हम देख के कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, कितना हो गया, तो 100 शेयर्स पे तो आपको एक्स पैसा नहीं देगा, और वाई का जहां तक बात है तो वाई आपको 200 शेयर्स पे और पैसा नहीं देगा, बिकॉज वाई ने इन शेयर्स पे डिफॉल्ट किया है। मतलब फाइनल कॉल में 2 रुपया 100 शेयर्स पे तो आपको पहले ही मिल गया था, इसलिए नहीं मिलेगा, और 200 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं मिलना है, इसीलिए नहीं मिलेगा। तो इसकी कंप्लीट जर्नल एंट्रीज आप करके और एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर हम बाकी जर्नल एंट्रीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपसे बन जाना चाहिए, बन जाएगा अच्छी बात है, फिर हम लोग आगे का कल टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉर फ्यूचर वगैरह डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं बना तो पहले इस क्वेश्चन को बनवा करके तब फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। तो हम लोग फिर शाम में जिनकी क्लासेस हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है, बाकी लोगों से एज पर शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को बनाना जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, बना के ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा देन वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, चलिए बाय बाय। ओके, चलिए माइया, चलिए खाना खाने चलिए।